वेलकम गाइस, दिस इज सीए पीयूष मित्तल और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। गाइस आज हम बात करेंगे एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स के बारे में और इसका रजिस्ट्रेशन के कौन से डॉक्यूमेंट्स, क्या प्रोसीजर्स हैं और किस किस पॉइंट में हम डील करेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के साथ। दोस्तों आपका स्वागत है हमारे इस चैनल के अंदर और इस बीडी चैनल में हम बात करते हैं काफ़ी सारे पॉइंट, जिसमें हम बात करते हैं सब्सिडीज, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स, गवर्नमेंट ग्रांट्स, गवर्नमेंट टेंडर्स, जेम पोर्टल, एक्सपोर्ट लाइसेंसेस, एक्सपोर्ट के जितने भी स्पेशल लाइसेंसेस हैं। तो दोस्तों अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपको सिखाने वाला है काफ़ी सारी नई ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ें जो कि आपको नहीं मिलेंगी इस चीज़। तो गाइस सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स, ये है एक RCMC। RCMC क्या होता है? RCMC होता है रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट, जो कि अगर कोई भी पर्सन जो हैंडीक्राफ्ट की में डीलिंग कर रहा है, यानी या तो वो मर्चेंट एक्सपोर्टर है या वो मैन्युफैक्चरर है कम एक्सपोर्टर है, तो ऐसे केस में उसे लेनी होगी RCMC ऑफ EPCH। तो गाइस इस प्रोसेस को हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हम किन किन स्लाइड्स को डिस्कस करेंगे। तो गाइस सबसे पहले बता देते हैं हमारे चैनल हैं, यह आपको बिना किसी कॉस्ट के इतने सारी चीज़ें सिखाएगा, जिसमें आपको गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी सारी सब्सिडीज हैं, स्टार्टअप्स की स्कीम है, स्पेशल लाइसेंसेज हैं, रजिस्ट्रेशन, सब्सिडी, एक्सपोर्ट, स्टार्टअप आइडियाज, स्टार्टअप फंडिंग, फाइनेंस नॉलेज और भी बहुत सारी कुछ। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसमें। अगर आप इन चीज़ों को सीखना चाह रहे हैं तो आपको ज़रूर हमसे जुड़ना चाहिए। और हम बात करते हैं दोस्तों, मैं हूँ CA पीयूष कुमार मित्तल, आपका स्वागत है। ओके गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे EPCH। हम लोग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट में क्या क्या डिस्कस करेंगे और क्या है ये। तो गाइस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट वॉज एस्टेब्लिश्ड अंडर कंपनीज एक्ट इन 1986-87। गाइस यह एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हुए लोगों के लिए काफ़ी सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है। वो कौन से बेनिफिट्स होंगे, कौन से सपोर्ट्स होंगे, किस चीज़ से प्रोटेक्ट करती है, कैसे वो सब्सिडी दिलाती है, सभी पॉइंट को डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, क्या प्रोसीजर है और किस तरह से इसको फॉलो किया जाएगा। तो गाइस आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बेनिफिट्स की, फिर करेंगे प्रोसेस की, फिर डॉक्यूमेंट्स क्या रजिस्ट्रेशन होंगे रिक्वायर होंगे, टाइम फ्रेम क्या होगा और कैसे उसके अंदर अमेंडमेंट्स आप कर सकते हैं। गाइस सबसे पहले आगे चलते हैं हम लोग। हम बात करते हैं बेनिफिट ऑफ RCMC, यानी कि आपको ये RCMC क्यों लेनी चाहिए। गाइस सबसे पहला पॉइंट है कॉमर्शियली यूजफुल इंफॉर्मेशन, असिस्टेंस टू मेंबर डेवलपिंग एंड इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट। यानी अगर आप हैंडीक्राफ्ट की लाइन में एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना चाह रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को आप ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ में फैलाना चाह रहे हैं और वहाँ तक पहुँचना चाह रहे हैं कि कैसे आपको अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है, आपके जैसे हैंडीक्राफ्ट वाले लोग किस तरह से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप इस RCMC को ले सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, आप अगर किसी भी इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो कि हैंडीक्राफ्ट से या गिफ्ट से जुड़ी हुई है, तो इसकी सभी सूचनाएँ आपको इस RCMC यानी इसकी मेम्बरशिप लेने के बाद ही आपको पता लग पाती हैं। आप अदर साइट्स पर जाकर भी देख सकते हैं, लेकिन काफ़ी अच्छी डिटेल के साथ जानना चाहते हैं तो आप इस RCMC का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों एक बहुत अच्छा पॉइंटर मैं बताऊंगा आपको, कई बार गवर्नमेंट की एक स्कीम होती है जिसका नाम है MDA, जिसको बोलते हैं मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम, जिसके अंदर 75% ऑफ एयर फेयर और अप्रॉक्स 1,25,000 रुपीज़ का एक इंसेंटिव या मैं कहूँ सब्सिडी दी जाती है, जिसका उद्देश्य होता है कि आप फॉरेन एग्जीबिशंस में जाकर पार्टिसिपेट करें और उसके लिए आपको जो खर्चा है वो सरकार देगी। यानी मैंने बताया 75% ऑफ एयर फेयर और आपकी जो स्टॉल के चार्जेस हैं वो आपका गवर्नमेंट बियर करती है। तो गाइस अगर आप इस टॉपिक पर भी वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा, मैं आपके लिए इस MDA स्कीम पर भी ज़रूर एक वीडियो बनाकर आपको दूंगा। पॉइंट नंबर 3 है ऑर्गेनाइजिंग इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स एंड गिफ्ट्स फेयर इन दिल्ली। गाइस दिल्ली का जो प्रगति मैदान है उसके अंदर टाइम टाइम पे इस हैंडीक्राफ्ट्स के लिए भी कुछ फेयर्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, तो उसके में भी आप लोगों को पार्टिसिपेशन का एक मौका मिलता है, वो भी लोअर कॉस्ट पे अगर आप मेंबर हैं तो। पॉइंट नंबर 4 इंटरेक्शन बिटवीन एक्सपोर्टिंग कम्युनिटी, यानी कि जो अदर जो फॉरेन डेलीगेट्स हैं उनके साथ आपका एक कम्युनिकेशन क्रिएट करना, जिसमें सर सेंट्रल और स्टेट लेवल दोनों पर आपको ध्यान रखा जाता है। अगला है वर्कशॉप ऑन एक्सपोर्ट मार्केटिंग प्रोसीजर, यानी कि टाइम टाइम पर आपको एक्सपोर्ट की डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर्स और मार्केटिंग सिखाई जाती है कि कैसे आपको स्टार्ट करना है एक्सपोर्ट, किस तरह से आपको पैकेजिंग, डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, मैनेजमेंट, बायर सेलर से मीट कैसे करनी है, ओपन हाउस कैसे आपको काम करना है, यह भी आपको सिखाया जाता है।
पॉइंट नंबर सिक्स है हेल्प फॉर क्लेमिंग सब्सिडी। गाइस आप लोगों को पता होगा कि जो भी वन पर्सन एक्सपोर्ट करता है हर पर्सन को कुछ ना कुछ गवर्नमेंट इंसेंटिव देती है जिसका नाम है MEIS या SEIS, जिसे अब स्कीम को बंद कर इसका सिर्फ नाम चेंज कर दिया गया है। इसके पीछे रीजन था WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके गाइस आगे चलते हैं, अगले हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन टू टाइप ऑफ लाइसेंसेस। गाइस इस RCMC के अंदर आपको दो तरह के लाइसेंस मिल सकते हैं, एक है मर्चेंट एक्सपोर्टर का और दूसरा है मैन्युफैक्चरर का। गाइस अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो ध्यान रखिएगा जो भी आपका उद्यम आधार है उसके अंदर आप मैन्युफैक्चरर होने चाहिए, अदरवाइज आप मैन्युफैक्चरर का लाइसेंस नहीं ले सकते। ओके गाइस अगला पॉइंट पर बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन। आप डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं, अगर आप इंडिविजुअल हैं, आप पार्टनरशिप फॉर्म हैं या कंपनी हैं तो आपके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर होंगे आप इस पोर्ट से नोट भी कर सकते हैं। आपको मैंने बहुत ही ईजी वे में आपको सारे डॉक्यूमेंट लिखकर दिए हुए हैं कि आप अगर ये हैं तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे। ओके गाइस आप देख सकते हैं पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस है, उद्यम आधार है, GST है, लेटर हेड होने चाहिए, एफिडेविट्स हैं और एक कोड ऑफ कंडक्ट का डिक्लेरेशन भी है। ओके गाइस अब ये एक एग्जांपल मैंने आपको दिया है कि किस तरह का वो फेयर लोग वो ऑर्गेनाइज करते हैं। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 2020 के अंदर एक फेयर ऑर्गेनाइज किया था जिसमें आप देख पा रहे हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स ने, तो इस तरह से टाइम टाइम पे काफ़ी अच्छे अच्छे फेयर्स ऑर्गेनाइज करती है जिसमें आप लोगों को लोअर अमाउंट ऑफ रेंटल पे आपको एक शॉप या आपको एक कह सकते हैं आपको स्पेस प्रोवाइड कराया जाता है। गाइस अब इसका प्रोसेस क्या है, प्रोसेस इसमें तीन तरह की फ़ी होती हैं, एक होती है एंट्रेंस फी, एक मेंबर फी और एक होती है रिन्यूअल फी। राइट गाइस एंट्रेंस फी और मेंबर फी शुरू में अप्रोक्स 8000 से 9000 के बीच में सबसे चार्ज की जाती है और बाद में हर साल आपको उसे रिन्यू कराना होगा, रिन्यू कराने की भी एक फिक्स प्रिस्क्राइब्ड है। तो गाइस ऐसा है कि इसमें आपका एक शुरुआत में एंट्रेंस फी तो आपसे वन टाइम ही ली जाएगी लेकिन मेंबर फी आपसे हर साल की ली जाती है। अब गाइस इसका अब जो फी है 8850 रुपीज़ इंक्लूडिंग GST है, ये आपकी सरकारी फी है। ओके गाइस और अगर आप किसी एक्स्ट्रा नॉलेज को जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे दिए हुए आप मेल आईडी है और मैंने नंबर जो आपको दिया है आप उस पर भी जाकर आप कुछ भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो आप पूछ सकते हैं, जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ। और गाइस कोई भी अगर आपका क्वेरी है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।